हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं पिज्ज़ा बिना चीज़ के, बिना मायो के, बिना ईस्ट के और बिना अवन के। चलिए बनाते हैं। हम एक बाउल में आटा लेंगे, उसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आप मैदा भी ले सकते हैं आटे की जगह। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और फिर डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसमें थोड़ी सी शुगर डालेंगे और इसको हाथ से मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से दो चम्मच घी डाल देंगे इसके अंदर। घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3-3.5 चम्मच दही। दही डालने के बाद इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा आधे से ज़्यादा आटा मिक्स हो गया है। थोड़ा सा आटा रह रहा है, उसमें पानी डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। उसको आटे के फॉर्म में तैयार करेंगे। जैसे हम घर पे आटा गूंदते हैं, रोटी का आटा हम लोग गूंदते हैं, वैसे ही इसको गूंद लेंगे। देखिए हमारा आटा तैयार होने ही वाला है लगभग, देख सकते हैं आप गुन गया है। ये देखिए हमारा आटा बन गया है। अब इसको ढक लेंगे कपड़े की हेल्प से, घी लगा देंगे इसके ऊपर, कपड़े की हेल्प से ढक कर रख देंगे इसको साइड में। एक गैस पर हम पानी चढ़ाएंगे, इसको पानी को उबलने देंगे। ये हम टमाटो सॉस के लिए कर रहे हैं, जो पिज्ज़ा सॉस होती है। टमाटो को काट देंगे साइड से और इस पर हल्का सा कट लगा देंगे। सारे टमाटरों को हम ऐसे ही काट लेंगे, धीरे धीरे साइड से कट लगा देंगे। एक ही कट लगाना है और अब इन टमाटरों को जो हमने पानी में रखा था गैस पर, वो उसमें डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे, 5-7 मिनट के लिए उबलने देंगे ताकि इसका छिलका उतर जाए। देख सकते हैं आप इसका छिलका उतरने लग गया है। अब इनको साइड पे उतार लेंगे, उसका पानी निचोड़ कर इनको निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे। अब एक पैन चढ़ाएंगे, वाइट सॉस बना रहे हैं हम। पैन चढ़ाने के बाद इसमें डालेंगे बटर। बटर को तो हल्का सा गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 2-2.5 चम्मच मैदा। मैदा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर में। अब इसमें डालेंगे हल्का हल्का दूध, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, अगर पड़ जाती तो हल्के हाथ से इसको निकाल लेंगे मिक्स करते हुए, चम्मच के साथ या जो मिक्सर है उसके साथ। इसको देखिए हमारा ये तैयार होने लगे। गाढ़ी होने तक हम इसको गैस पे ही रखेंगे। हम इसको बाउल में निकाल लेंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे नमक डालकर इसको। जो हमारे टमाटर थे हमने उसका छिलका उतार कर रख लिया है, उसको ग्राइंड करेंगे एक मिक्सी में। चार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। पैन चढ़ाएंगे, हल्का सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को सारी जगह फैला लेंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे उसको। और इसमें डाल लेंगे हमने 2 कलियाँ लहसुन की काट के रखी थी वो डाल लेंगे, और प्याज इसको डालकर लाइट ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए हम भून रहे हैं, आपको भी ऐसे ही भूनना, लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। अब हम डालेंगे, ये लाइट ब्राउन हो गया, लाइट की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी जो हमने ग्राइंड की थी, इसको घुमाते रहेंगे हल्के हाथ से। अब जब उबाले आने लग जाएंगे तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल देंगे, एक रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर और ओरिगैनो, इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी ताकि जो हमने ये मसाले डाले हैं
वो पक जाए अच्छे से, उसको गाढ़ा होने तक तो गैस पे रखेंगे। देख सकते हो आप ये गाढ़ा होने लग रहे हैं। गाढ़ा होने लग रहा है। और अब जो हमने आटा लिया था उसको दोबारा से गूंथेंगे, मथलेंगे। मथने के बाद आटे को दो भाग कर लेंगे, आटे के से लंबा करके हमने दो भाग कर लिया है इसके। बिल्कुल रोटी वाला पेड़ा लेना है, जितना रोटी का पेड़ा होता है इसको उसका गोला बना के चकले बेलने की हेल्प से, चकले पर आटा लगा के हल्का सा इसको बेल लेंगे। चकले बेलने की हेल्प से रोटी की तरह ही इसको बेलना है। ये हमारा बेल दिया है हमने। अब एक प्लेट लेंगे, उस पर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर अच्छे से उसको प्लेट पे फैला लेंगे, हाथ से ग्रीस कर लेंगे। जो हमने बेस लिया था वो उसमें डाल देंगे, इसको उंगलियों की मदद से फैला लेंगे। अब एक फॉक लेंगे, फॉक में की वजह से उसे छेद करेंगे ताकि ये हमारा जो बीज है वो फूले ना। देख सकते हैं आप, हम इसमें डालेंगे जो हमने रेड सॉस बनाई थी पिज्जा सॉस, वो डाल देंगे स्पून की हेल्प से या किसी भी चीज की हेल्प से। हमने सॉस को फैला लेंगे। हमने देख सकते हैं आप अच्छे से लगा दिए। अब हम इसमें डालेंगे जो सॉस हमने बनाई थी वो। जब आपके पास घर में चीज नहीं होता है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, और घर पे बनाना इसको बहुत इजी है। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पिज्जा तैयार हो जाता है। ये जो हम मेरे घर वालों को कैप्सिकम और अनियन का पिज्जा बहुत पसंद है तो हमने काट के रखे थे, अभी हम सजा रहे हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो घर पर आप वो डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। इसमें साइड में ऑयल लगा लेंगे उंगलियों की हेल्प से ताकि ये ख़राब ना हो और अच्छे से निकल जाए। जब हम इसको निकालेंगे प्लेट में, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और ओरेगानो। ओरेगानो नहीं है तो आप हर्ब डाल सकते हैं जो पिज़्ज़ा हर्ब होती है। आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई में नमक डालकर एक बाउल रख दिया था और इसको गर्म होने दिया था। अब इसमें रख देंगे प्लेट और इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। और अब हम देख लेते हैं, 15 मिनट हो गए हैं ढककर इसको प्लेट को, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है या नहीं। देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम इसको एक कपड़े की हेल्प से प्लेट में निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने कर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।